दूसरी शादी करने जा रहे हैं, जो बोल के जा रहे हैं मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये धूप मेरे चेहरे पर आ रही है, एक मिनट। हाँ, अब सही है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो कल का व्लॉग जैसे कि आप लोग देख चुके हैं, और फातिमा ने, मैंने आपको कॉल ही बताया था कि मुझे बिल्कुल भी ड्रेस चेंज नहीं करवाने दे रही है, उसने करवाने भी नहीं दिया। अभी भी उसी ड्रेस में जो ये घूम रही है, तो खैर ये तो मुझे चेंज करवाने नहीं देगी। वो अफ्तारी के लिए एक आइटम मैं बनाने वाली हूँ, वो है चना चाट, जो कि मैं हमेशा बनाती हूँ। ऑलरेडी आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में सुना ही होगा कि मैं बनाती हूँ एक पालक का पकौड़ा और एक चना चाट, और मेरी बेटी बोल रही है नीचे चल के एग खाएंगे। तो आज मुझे वो बनाना है, उसके लिए मैंने आलू बॉइल कर दिए और साथ ही मुझे खाना भी बनाना है। तो चलिए, मैं बहुत ही ज्यादा लंबा है इंट्रो शूट कर लेती हूँ हर बार। चलिए किचन में चलती हूँ और चल के साथ साथ दिखाती हूँ और साथ बात भी करती हूँ कि मैं करने क्या वाली हूँ किचन। आलू बॉयल हो गए थे तो फिर मैंने उन्हें छील के यहाँ पे रख लिया है, और यहाँ पे खाना उगाने की मैंने पूरी तैयारी कर ली है। प्याज टमाटर एक्स्ट्रा लिए हैं क्योंकि उसमें भी डलेगा, और यहाँ पे बस अभी चढ़ा हुआ है, चावल हो चुके हैं, इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ। तो बस अभी खाना बनाऊंगी और साथ साथ जो है वो चाट भी बनाऊंगी, क्योंकि फिर अफ्तारी में टाइम नहीं बचेगा, या तो खाना बन सकेगा या तो चाट, इसलिए दोनों काम मैं आज साथ साथ करूंगी। सालन तो मैंने चढ़ा दिया, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी जो है अपनी चाट की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ बारीक बारीक कट कर डलता है। मैंने प्याज कितना बारीक बारीक काटे, और आलू भी बारीक बारीक ज़्यादा नहीं काट रही हूँ, वरना आलू जो है वो बिल्कुल इसके अंदर चूर हो जाएगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ बारीक बारीक कट कर लिया, प्याज आलू टमाटर खीरा, और जो चने हैं वो मामा ने बॉयल कर दिए थे, क्योंकि मुझसे सही कभी बॉयल होते ही नहीं है, हमेशा कच्चे ही रह जाते हैं, तो इसीलिए फिर मामा ने मुझे बॉयल करके दे दिए थे। और दही मैंने अभी भी उज़ैर से मंगवाई, दही मुझे लगा था कि होगी लेकिन नहीं थी, तो फिर उज़ैर को मैंने भेज के दही मंगवा ली। और ये मतलब मुझे छोटा लग रहा था बर्तन, तो फिर मैंने इसको बड़े बाउल में जो है वो ट्रांसफ़र कर लिया, वरना मिक्स करने में उससे गिरता। और चाट मसाला ऐड करूँगी अब इसमें, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं ऐड करना होता है, बस चाट मसाला और नमक ऐड किया थोड़ा सा। अब यहाँ पर सादा मैं निकाल रही हूँ अलिशबा के लिए, क्योंकि अलिशबा जो है वो दही वाला कुछ भी नहीं खाती है, तो वो नहीं खाती, इसलिए उसके लिए मैंने सादा निकाल लिया। और बाकी मैंने थोड़ा सा दही ऐड कर दिया 1 कप, और 2-3 टीस्पून जो मैंने इसमें चटनी ऐड कर दी है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, और आलू भी मैंने बॉईल करके इसमें डाला था और चने भी बॉईल करके, बाकी सब कुछ ऐसे ही कच्चा, और बस मेरी चना चाट टेस्टी सी रेडी है ना, इजी सी रेसिपी। तो जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, तब तक आप लोग जल्दी से मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, जाइए और जल्दी से मुझे वहाँ पे भी फॉलो कीजिए। अभी कुछ सामान लेके आए जिसमें चाट मसाला, दूध, दही और बनाना, और फातिमा ने आते ही बनाना ले लिया। डस्टबिन मंगवाया था और कंटेनर मंगवाया था, यहाँ आए तो बड़ा अच्छा कंटेनर लाया, जो मैंने बोला था उससे भी अच्छा लाया, अच्छा लग रहा है। एयरलॉक है ना ये वाला, बस सही। और ये है डस्टबिन, रूम के लिए डस्टबिन मंगवाया है मैंने, क्योंकि पिछले वाला तो फातिमा ने तोड़ दिया था। 1200 800 गए। अच्छा, 1200 गए, अच्छा लग रहा है, ब्राउन कलर रूम। हाफ तो उजैर ने जो है वो समेट लिया था, और हाफ मेरी बेटी समेट रही है, और बाकी हाफ जो है अब वो मैं समेट लेती हूँ, बाकी ताकि रूम तक डन हो जाए। और यहाँ पे मेरी बेटी नीचे जाने के लिए रो रही है, नीचे जाने। और ये न्यू ड्रेस का क्या हाल किया आपने, इधर दिखाओ। डस्टबिन आया, मेरी बेटी सब चीजें इसमें उठा उठा के डाल रही है। बेटा घर की चीजें नहीं डाल दिएगा इसमें, सिर्फ रैपर्स डालिएगा, हट जाइए, टच नहीं करिए उसको। और यहाँ पर सालन जो है वो भी लगभग रेडी होने ही वाला है, बस गोश्त गलेगा और आलू गलेगा और सालन जो है वो रेडी हो जाएगा, और बस थोड़ा सा भुनाएगा क्योंकि मसाला जो है वो भी कच्चा है इसमें। पर के बाकी सब काम जो है मैं बाद में देख लूंगी, अब नीचे चलती हूँ, अफ्तार का टाइम होने वाला है, नीचे चल के देखती हूँ मामा ने क्या इंतजाम किया। मामा ने तो ऐसे कर ही लिया होगा, देख ही लेती हूँ आके, थोड़ी हेल्प ही हो जाएगी। यहाँ तो अफ्तार लग भी चुका है, तो अफ्तार लग भी चुका है, हर तो मेरी एक्टिंग कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, मेरी भाभी की एक्टिंग कर रहे हो, शेम ऑन यू। रोजा हो? नहीं, कैप वैप लगा के बैठी हो, मुझे लगा शायद रोजा हो। रोजा होता, रोजा नहीं होता, अभी दस्तरखान पे सबसे पहले आया अलिशबा ने बिरयानी बनाई है। अच्छा, तभी वहाँ वो दी इतनी बड़ी पतीली, किसने चूल्हे पे चढ़ाई थोड़ा सी बिरयानी के लिए। और आज अफ्तार में मामा ने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि मैंने जो है वो चना चाट बनाई थी, और सबको चना चाट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो सब लोग वही खाएंगे, तो मामा को पता था, इसलिए फिर मामा ने जो है वो ज़्यादा अफ्तारी नहीं बनाई, अंडा चाप और आलू चाप बना लिया। अंडा चाप तो मेरी बेटी के लिए बनाया, क्योंकि उनकी अंडा चाप के बिना अफ्तारी बिल्कुल नहीं होती, और आलू चाप ऐसी सबके लिए, और 2 से 3 मिर्ची फ्राई कर ली थी। तो जी, मैं अफ्तार करके ऊपर आ गई हूँ, अब जाके अपने सालन की कंडीशन देखती हूँ, सालन में बिल्कुल धीमी आंच में करके छोड़कर चली गई थी, अब जाके देखती हूँ ये ना हो कि जल ही गया हो, अगर जल गया हुआ ना तो फिर तो आज फिर से बाहर से आएगा। फाइनली रेडी है मेरा सालन, कितना अच्छा लग रहा है दिखने में,
लास्ट में मैंने उसमें धनिया और गरम मसाला डाल दिया, तो इसके से इसका बहुत ही अच्छा सा लुक आ गया धनिया की वजह से। ये रहा वो कंटेनर, इसके अंदर मैंने ये एवरीडे का जो है वो मिल्क पैक रख लिया, और गाय से मैंने मिल्क पैक मंगाए थे। कभी कभी ऐसा होता है कि गाय का दूध खराब हो जाता है, तो फिर सुबह नाश्ते के लिए कोई भी दूध नहीं होता है, तो फिर इसलिए मैंने मिल्क पैक मंगवा लिया। कोई भी मसला हो तो कम से कम चाय तो बन ही जाए, तो इस कंटेनर में मैंने ये रख लिया। और दूसरे कंटेनर में भी देखूंगी क्या रखना है। दूसरी शादी करने जा रहे, जो बोल के जा रहे हैं मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज, तुम अपना ध्यान रखना। झूठ बोल रही हो, झूठी हो। सच बोल रही हूँ, इधर आओ बोल के भाग कर रहे हो। अरे नहीं बेटा, बाबा नहीं, मामा लेने जा रहे हैं।